हेलो दोस्तों, जय हिंद। डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन डॉग ब्रीड, एथली डॉग ब्रीड, रफ एंड टफ डॉग ब्रीड जो बहुत ही बेहतरीन है और हमारे अंबाले में जो पिछले 10 साल से ब्रीड कर रहे हो हमारे मनी भाई। मनी भाई कैसे हो? कैसे हो बड़े भाई? गुड। अभी कुछ बताओ इस ब्रीड के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया ब्रीड है। हाँ, ये 10 साल से मैं इस ब्रीड के अंदर डील कर रहा हूँ। बहुत ही सिंसियर एंड बहुत बढ़िया ब्रीड है ये। और ब्लड लाइन कौन सा कैरी जो आपकी डॉग है, ये क्या कैरी कर रहे हैं? ये न्यू वे बॉक्सर के लाइन से ब्लड लाइन कैरी कर रहे हैं। न्यू वे बॉक्सर्स, बहुत फाइन नहीं दिख रहा है जो डॉग्स में आपके प्रॉपर मजल बॉडी स्ट्रक्चर और ये पपीज जो है आपके पास, हाँ प्रॉपर मार्किंग है और पपीज बहुत शानदार है। एंड आई थिंक छोटे पपीज और भी आपके 3-4 लीटर हो रखे हैं। हाँ जी, छोटे पपीज 4 लीटर हो रखे हैं। मैं सिर्फ बॉक्सर लाइन में उसमें डील करता हूँ। तो बॉक्सर के बारे में क्या कहना चाहोगे, मतलब इस ब्रीड के बारे में क्यों लेना चाहिए? अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है। आप इसको फैमिली के अंदर कैसे भी रख सकते हो, बच्चों के साथ रख सकते हो, कोई ज़्यादा ये डेंजरस ब्रीड नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ये बहुत डेंजरस है, मेरे पास ओनली बॉक्सर्स में ही डील करता हूँ मैं। और इसके बारे में मतलब क्या हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो कितने क्या मेंटेनेंस चाहिए? बहुत कम से कम मेंटेनेंस है, शॉर्ट कोट में है ये, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, कोट आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ कोट में है, तो ज़्यादा शेडिंग की भी इशू आई थिंक नहीं आती इसमें, और ज़्यादा अपना ग्रूमिंग के भी हम हमारे पास ग्रूमिंग को ये ज़्यादा हेयर फॉल नहीं करते। मेरे पास लॉन्ग कोट है, वो रोज़ ग्रूमिंग करना पड़ता है, रोज़ उनका मेंटेन करना पड़ता है, टिक्स का टाइम आगे टिक्स से बचाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, देख सकते हैं आप, बेहतरीन गार्ड डॉग है, नो डाउट, फैमिली प्लस गार्ड डॉग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये पपीज है जो अवेलेबल है हमारे पास, और पपीज है वो भी दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मौसम ऐसा हमने जाते ज़्यादा परेशान करें इन बच्चों को। बहुत ही प्यारा है, देखो क्या मजल कैरी कर रहे हैं, हेड पोज देखो मेरे उंगली के बराबर है, और क्या ज़्यादातर शानदार सॉक्स देखी जाती हैं। हाँ, ये फुल प्रॉपर सॉक्स, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे पपीज है। सो बुकिंग ओपन, इनफैक्ट इनको वैक्सीनेशन भी लग गया, वैक्सीनेशन प्रॉपर वैक्सीनेशन हो चुका है, जो वैक्सीनेशन भी होना चाहिए स्टेज में वैक्सीनेशन हो गया। 25 डेज के बाद मैं कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि उसके बाद ये बीमारी को बहुत जल्दी ही कवर कर देते हैं। राइट, यानी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम डील कर रहे हैं किसी को पपी दे रहे हैं, जैसे बात हम चाहते हैं वो बच्चा अच्छा एज कैरी करे, जैसे कि आपके पास है प्रॉपर मेंटेन हो रखा है, डिवॉर्मिंग टाइमली होता रखा है, कल को ओनर को प्रॉब्लम मत आए, ओनर को प्रॉब्लम ना है, जो शायद बंदा पैसे लगा रहा है इन्वेस्ट कर रहा है, अपना जान को प्रॉब्लम भी ना है, ओनर भी परेशान होता है और नन्ही सी जान है ये परेशान होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया डॉग ब्रीड, बॉक्सर, बेहतरीन गार्ड डॉग, फैमिली प्लस गार्ड डॉग, और इसके शौकीन मेरे भाई मनी भाई बहुत कम ही लोग रह गए। ये बहुत रेयर है, जिसको शौक है वही ये डॉग रख सकता है। पहले के टाइम में तो काफ़ी क्रेज हुआ करता था डॉरमैन एंड बॉक्सर, बट जब हाँ जब मैं पूछता अब देखते हैं बहुत कम डिमांड हो गया, बहुत जो शौकीन लोग ही ब्रीड कर रहे हैं, कि जिनको इस ब्रीड के बारे में पता है इसको और डॉरमैन, इसे क्वालिटी के बारे में क्वालिटी का पता है वही रख सकते हैं डॉरमैन और ये ब्रीड, क्योंकि सबके पास की बात। मैंने भी देखा आपने बहुत ही प्यारी बच्ची ले गए थे, तो उस समय मुझे बहुत पसंद आया था, ये मदर बहुत प्यारी है। सो दोस्तों ब्रीड जो है ऑलमोस्ट निकल चुका है, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट होने वाली कंडीशन में है, तो क्योंकि इसके और लोग ने क्या दोस्तों मार्केट में प्रॉपर ब्रीडिंग का लेवल डाउन कर रखा है, वो मार्केट में थर्ड क्लास प्रॉपर ब्रीड कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज होता नहीं है, और उससे क्या होता है जो प्रॉपर ब्रीडिंग कर रहे उनको लॉस होता है, जैसे पास इन्वेस्टमेंट में पैसा लगता है मेरे भाई, और जो लोग कबाड़ी वाले बैठे हैं मार्केट में वो कबाड़ ब्रीड कर रहे हैं, चाहे हमारे अंबाले में कितना क्यों ना हो, बहुत से लोग हैं जो मतलब मदर का आप कंडीशन देखेंगे, फादर कंडीशन देखेंगे, और बच्चे देखेंगे आप, तो मतलब आपको खुद शर्म है कि बच्चे क्या है, बट ये कि भाई ने बच्चे को अच्छे मेंटेन किया मनी भाई ने। मैं चलो जाहिर सी बात है मनी भाई को दिखाते हैं, जो अच्छा काम कर रहा है डॉगीज वर्ल्ड उनके साथ है, दिखाता है उनको, तो आप देख सकते हैं। और ये प्लेइंग वीडियो बच्चों का, ये कितने एक्टिव है, ये देखो फुल ऑन एक्टिव, वाओ बढ़िया, ये देखो। सो मैं सो संडे ऑफ है, संडे है, कुछ डिफरेंट दिखाते हैं आपको। मैं बॉक्सर ब्रीड नहीं करता, बट आप इनको देख के लगता है कि मुझे भी बॉक्सर ब्रीड करना है, तो आई होप फॉर द बेस्ट कि मैं भी एक फीमेल रखता हूँ और उसको ब्रीड करूँगा। तो रफ एंड टफ, और क्या स्टाइल है, वॉकिंग स्टाइल देखो एक बार, सीज वाओ, सो मैं चलो कुछ डिफरेंट दिखाते हैं आपको। तो ये रहा सीज द बॉक्सर, और ये बच्चे, दोस्तों डॉग्स अभी बहुत और भी बहुत से डॉग्स हैं,
बट अभी क्या है, गर्मी है, हम वो तो चाहते हैं डॉग, सब डॉग दिखा परेशान करना। जैसे आप देख रहे हैं मैंने भाई प्लेइंग बोर्ड में और ये बच्चे और पेरेंट्स बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।